गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स स्टूडेंट्स आज असी अपना उपवेशा लैसन नंबर 12 जिसका नाम है मेहनत बारे रीड ते डिस्कस करांगे। स्टूडेंट्स इस लैसन तो सानू की सीखे मिलती है, जेकर असी मेहनत करते तो मेहनत का मुला जरा सानू जरूर प्राप्त होंदा। इसलिए किसी भी काम विच सफलता प्राप्त करने लई ते सक्सैस होने दे लई सानू मेहनत करना जरूरी होंदा गा। स्टूडेंट्स ये कदे भी नहीं होगा भी असी मेहनत करांगे सानू मेहनत का फल नहीं मिलेगा। परमात्मा हमेशा उन्हां दी मदद करदा हुंदा जो अपनी मदद आप करदे हुंदे आ, ते जेकर असी मेहनत करांगे तो सानू उसका फल जिहड़ा वह जरूर मिलेगा। बाकी स्टूडेंट्स आपां लैसन दे नाल नाल डिस्कस करांगे। एक पिंड विच एक किसान रहिंदा सी, उह बहुत मेहनती सी, उसनू खेतां विच बहुत मेहनत करनी पैंदी सी। उह खेत बाउंदा, फसल बीजदा ते फिर उसनू पानी नाल सिंजदा। जदों फसल पक जाती तो उसनू वढ के झाड़ के दाणियां की शक्ल विच कर ले आउंदा। स्टूडेंट्स इहदे विच की दस्सिया गया भी एक पिंड विच एक किसान रहिंदा सी जो बहुत मेहनती सीगा, भी वह अपनी मेहनत नाल जिहड़ा अपने खेतां विच कम करदा सीगा। वह अपने खेतां नू बाउंदा सी, फसल लगाउंदा सी, बीजदा सी, उहदे विच फिर समय समय उहनू पानी दिंदा सी। जदों फसल पक जाती सीगी तां उसनू कट के ते उहदे दाणियां दे उहनू कट के ते उहदे दाणियां नू मतलब कि साफ करके अपने घर ले आउंदा सी। उसकी पत्नी घर का सारा काम करती, पशु सामदी, उन्होंने चारा पाउंदी, मुर्गियां ते बत्तखां दी देखभाल करती, ते जदों फसल घर आउंदी तो फसल की सांभ संभाल करती। वह अपने पति दी वह अपने पति वांग बहुत मेहनती सी। स्टूडेंट्स भी जिहड़ा एक पिंड विच एक किसान रहिंदा सी जो मेहनती सी, उसकी एक पत्नी सी वह भी अपने पति वांग बहुत मेहनती सी, भी वह अपने घर का सारा काम सी जिहड़ा वह करती सीगी। घर का काम की करती स्टूडेंट्स भी वह अपने घर से जिहड़े मझां संभालदी सी, मुर्गियां की देखभाल करती सी। ते जदों किसान फसल पक जाती सी उहनू कट के घर लैके आउंदा सी तो उस फसल नू संभालण दे विच अपने पति की जिहड़ी वह मदद करती सीगी। वह भी अपने पति वांग बहुत मेहनती सी। उन्हां दे एक पुत्र सी, वह आलसी नहीं सुंदा, लेजी, निकम्मा, जिहड़ा कोई भी कम ना करदा होवे निकम्मा सी। वह अपने माता पिता वांग मेहनती नहीं सी। कुछ साल तो इस तरह चलता रहा, पर जदों किसान का पुत्र बड़ा हो गया तो किसान नू उसकी चिंता सताउण लगी। उसने अपने पुत्र नू मेहनत करन दी आदत पाउण दा फैसला किया। स्टूडेंट्स उस किसान का एक पुत्र सीगा जो आलसी सी ते निकम्मा सी, कोई भी कम नहीं सी करदा, भी वह अपने माता पिता वांग मेहनती नहीं सीगा। काफ़ी समय का किसान है जिहड़ा भी अपने आप कम करता रहा। जदों उन्हें देखा भी उहदा पुत्र बड़ा हो चुका गा, भी वह कोई भी कम नहीं करता गा, तो उसनू इस चीज़ की टेंशन जिहड़ी वह हो जाती भी उसके पुत्र नू मेहनत करनी चाहीदी है। तो उसने सोचा भी उहदे पुत्र नू मेहनत करन दी आदत पाई आवे, तो फिर उसने एक अपने पुत्र नू मेहनत करन दा सबक सिखाउण लई एक फैसला लिया। एक दिन उसने अपने पुत्र नू कहा, मैं तीर्थ स्थानां दी यात्रा करन जाना चाहुंदा हाँ, मेरे पिछे खेतां दा सारा काम तैनू करना पवेगा। तो स्टूडेंट्स किसान ने अपने पुत्र नू मेहनत करन सिखाउण दे लई उहने फैसला कीता, ते उह अपने पुत्र नू जाके कहिंदा वी उह तीर्थ मतलब उहदा धार्मिक स्थानां दी यात्रा ते जाना चाहुंदा। भी जदों उह यात्रा ते चला गया भी उस तों बाद सारे खेत दा काम जिहड़ा उहदी जिम्मेवारी होगी सांभ संभाल करना ते उहनां नू तैयार करना। किसान दे पुत्र ने पिता दी गल मन ली, ते जदों स्टूडेंट्स उह किसान अपने पुत्र नू कहिंदा वी उह तीर्थ स्थानां ते जाना चाहुंदा गा, भी उस तों बाद उसकी जिम्मेवारी होगी खेतां दी सांभ संभाल करना, ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨ ਲੈਂਦਾ ਤੇ ਉਹ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਆਪਣੇ ਉੱਪਰ ਲੈ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਪਿਤਾ ਦੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਝ ਦਿਨ ਤਾਂ ਉਹ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਤੁਰ ਫਿਰ ਕੇ ਗੁਜ਼ਾਰ ਲਈ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਹ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਸਮਝ ਨਾ ਆਈ ਕਿ ਉਹ ਕੀ ਕਰੇ। ਉਸਨੇ ਕਦੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦੇਖਿਆ। ਦੋ ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਉਸਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਥੱਕ ਹਾਰ ਕੇ ਘਰ ਆ ਗਿਆ। ਉਸਨੇ ਸਮਝ ਲਿਆ ਕਿ ਖੇਤੀ ਉਸਦੇ ਵੱਸ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਸੀ ਉਹ ਆਲਸੀ ਅਤੇ ਲੇਜ਼ੀ ਸੀਗਾ, ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕਦੇ ਖੇਤ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਉਸਨੇ ਦੇਖੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੀ ਉਸਦਾ ਪਿਤਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਗਾ। ਇੱਕ ਦੋ ਦਿਨ ਤਾਂ ਉਹ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਤੁਰ ਫਿਰ ਕੇ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਆਪਣਾ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਖਰਾਬ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਹ ਫਿਰ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਵੀ ਉਹ ਕੀ ਕੰਮ ਕਰੇ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਕਦੇ ਖੇਤ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੀ ਕੰਮ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰੀਦਾ ਗਾ।
दो तीन दिन तो उसने भी खेत दे विच काम किया, जो उसकी समझ में कुछ ना आया था फिर वह थक हार के अपने घर वापस आ जाता गा, क्यों क्योंकि खेती करना उसके बस की गल नहीं सी भी वो कर ही नहीं सकता सी उस काम नूं, क्यों क्योंकि उन्होंने नॉलेज नहीं सी, उन्हें देखी नहीं सी भी उसके पिता किवें खेती करते, किवें बोना, किवें बीजना, किवें फसल नूं उगाउणा गा, तो इसलिए वह अपने घर वापस जिहड़ा वो आ जाता गा। उन्होंने खेतों के नाल ही एक होर किसान के खेत सन, उन्होंने देखा कि जमीन खाली पई है, उसने किसान के पुत्र नूं कहा जे तू चाहे असी तेरे वाला खेत बाह के बीज लीए। तो उत्थे एक नाल ही एक होर किसान का खेत सीगा, उन्हें देखे भी जदों नाल वाला खेत बेला पिया तो उन्होंने उस मौके का फायदा उठाया, क्यों क्योंकि किसान का पुत्र तो लेजी सी, आलसी सीगा, उदो कोई काम करना जानता ही नहीं सी। तो उन्होंने सोचा भी किसान के पुत्र नूं उन्होंने जाके कहा भी असी की तेरे खेत विच फसल बीज सकते हैं, तो किसान के पुत्र तो बेला सीगा, उन्हें किसी काम करना नहीं सी आता। तो उसने सोचा भी वाहन बेला रहने तो वधिया गा भी इन्हों फसल बीजन लई दित्ती जाए ता कि उन्हों अद प्राप्त हो जाएगा, ठीक है पर मैनू की करना पवेगा, किसान के पुत्र ने पूछा। कुछ भी नहीं, बस फसल पक्न तो बाद अद्धी फसल तेरी होगी, वह भी तेरे मर्जी दी, गुआंढी किसान ने कहा। गुआंढी किसान से जिहड़ा चलाक सी उसने किसान के पुत्र नूं कहा भी तुहानूं कुछ नहीं करना पवेगा, भी फसल असी बीजांगे, फसल की देखभाल असी करांगे, जदों फसल पक जाएगी तो तुसीं अपनी मर्जी नाल फसल का जिहड़ा हिस्सा मंगोगे असी तुहानूं उही हिस्सा जिहड़ा फसल का दे देवांगे। तो किसान का पुत्र यह सुन के मतलब के राजी हो जाता गा, क्यों क्योंकि उन्हें एक तो कम नहीं करना पैना सी, एक उन्होंने फ्री विच सी जिहड़ी उह फसल सी जिहड़ी पैदावार सी उह मिलण वाली सी। तो यह सोच के किसान का पुत्र है जिहड़ा उह किसान हाँ कर दिंदा है। स्टूडेंट्स बाकी हाफ लैसन असीं नैक्सट वीडियो च पढ़ांगे। ओके स्टूडेंट्स।